नमस्कार, आईपीएल के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं क्रिकेट की किस्सा गोई। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े मैदान में दिल्ली और कोलकाता आमने सामने हुए तो दोनों के सामने हालात करो या मरो के थे, लेकिन बाजी मार ले गई दिल्ली। इस लो स्कोरिंग मैच में केकेआर एक बार भी मुकाबले में नहीं दिखा और ये उसकी लगातार पांचवी हार थी, जबकि दिल्ली ने सीजन में चौथी जीत हासिल की। दिल्ली की जीत में रोल निभाया स्पिनर कुलदीप यादव ने, जिन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चार विकेट लिए। तो शुरू करते हैं मैच का कैच। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और बॉलिंग चुनी। टॉस हारकर बैटिंग करने उतरी कोलकाता एक बार फिर खराब शुरुआत का शिकार बनी। ओपनर एरोन फिंच भी अजिंक्य रहाणे की राह चले। अजिंक्य रहाणे को खराब फॉर्म की वजह से बाहर बिठाया गया था और उनकी जगह एरोन फिंच को लाया गया, लेकिन वो भी मैच में लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के जल्दी जल्दी विकेट गिरे और एक समय 35 रनों पर चार विकेट गिर गए थे। हालांकि इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और नितीश राणा ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों के बीच 48 रनों की साझेदारी भी हुई। श्रेयस 42 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तू चल मैं आया का दौर फिर चला। करियर का पहला मैच खेल रहे बाबा अपराजित, सुनील नरेन और आंद्रे रसेल के सस्ते में विकेट गिरने से स्कोर 6 विकेट पर 86 रन हो गया। इसके बाद नितीश राणा और रिंकू सिंह ने 62 रनों की साझेदारी करके टीम का स्कोर जैसे तैसे संभाला। 20 ओवरों में केकेआर 9 विकेट के नुकसान पर केवल 146 रन ही स्कोर बोर्ड पर टांग सके। नितीश राणा ने 34 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 57 रनों की पारी खेली। तो दिल्ली की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, जबकि मुस्तफिजुर रहमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और अब बात करते हैं दिल्ली के जेस की। 147 रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत भी कोलकाता की तरह अच्छी नहीं रही। दिल्ली ने 17 रनों के स्कोर पर ही पृथ्वी शॉ और मिशेल मार्श के विकेट खो दिए, लेकिन बाद में डेविड वार्नर और ललित यादव के बीच अच्छी साझेदारी हुई, जिससे दिल्ली जीत की राह पर लौटी। दोनों के बीच 65 रनों की साझेदारी हुई। वार्नर ने 42 रन और ललित यादव ने 22 रन बनाए, लेकिन एक समय दिल्ली पर फिर संकट बन रहा है। दिल्ली के 84 रनों पर 5 विकेट गिर गए थे, जिसमें कप्तान ऋषभ पंत का विकेट भी शामिल था, लेकिन फिर रॉबिन पॉवेल और अक्षर पटेल ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचाया। पिछले मैच में आखिरी ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ने वाले पॉवेल ने इस मैच में भी छक्का लगाकर टीम को जिताया। उन्होंने नाबाद 35 रन बनाए। तो क्रिकेट की किस्सा गोई में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।